हाँ 1453 सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सुधांशु, पटनिया पंचायत से हमारी पत्नी लड़ी है श्रीमती रीता देवी। किस पद से? मुखिया पद से। सर ये जीत का श्रेय आप किनको देना? हम सभी जनता को देना चाहेंगे, अपने सर पर उठा के रखेंगे। कितने मतों से आप विजय हुए? हम विजय लगभग 1500 के आसपास से विजय हुए, 2900 वोट मिला है। सर आखिर क्या वजह रही जो जनता आपको? अगला जो मुखिया थे सही से काम नहीं किए, बहुत घोटाला कर दिए और लगभग और बहुत गड़बड़ कर दिए कुछ काम सब में, इसीलिए जनता हमको पसंद किया है। जी सर, आप जीत के आए हैं तो क्या पहला आपका क्या काम रहेगा? मेरा काम रहेगा कि जहाँ जितना भी गवर्नमेंट का फंड आएगा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो मेरे चैनल के माध्यम से सर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे पहले अपने पंचायत की जनता को प्रणाम करेंगे और हम जिस तरह हमको अधिक से अधिक वोट से जिताया है तो हम प्रयास करेंगे जो उन लोगों का भी सेवा उसी ढंग से हम करें। क्या नाम हुआ? रंजू देवी। किस पंचायत से? किस पद से? मुखिया पद से। सर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास पर वोट मांगे थे अपने जनता से, जनता ने हमको विकास करने के लिए वोट दिया है। जी चाहते हैं जो जनता के ऊपर खड़े उतरे हम विकास करें। हमारे पंचायत में विकास हुआ ही नहीं है 5 साल से। ऐसा कोई दो जो है योजना का नाम बताइए जो आपके पंचायत में नहीं हुआ है जो आप करना चाहेंगे? हमारे यहाँ सबसे पहले तो पीछे जो है जो आया था स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, वो स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया है और गली में एक भी गली का काज नहीं हुआ, पूरा गली वैसे ही कीचड़ से भरा हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं जो जनता ने हमारे ऊपर जितना भरोसा किया उस पर खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे, विकास का काज करने का कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ अपना? कृष्ण कुमार मिश्र प्रभाकर। किस पद से जीते हैं? मुखिया पद से। किस पंचायत से? पंचायत अरगा उसरी। सर ये जीत का जो श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? हम जनता को श्रेय देना चाहते हैं जिन्होंने धनबल को छुकरा करके जनबल पर विश्वास किया और हमको अपार बहुमत से 675 मतों से हमको विजय बनाया। सर ऐसा क्या वजह रही है जो जीत की मुकुट जनता ने आपको पहनाई? हम पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं 2001 में और 2011 में, उन्होंने मेरे काम को देखा था और गत 2016 में जो सरकार काफ़ी पैसा पंचायत को दिया लेकिन उस पंचायत का विकास नहीं हो पाया, हर जगह लूट मची हुई थी जिससे जो वहाँ की जो जनता है। हम संदेश यह देना चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि में ईमानदारी होनी चाहिए और ईमानदारी अगर रहेगा